हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीपीजी 2022 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोग का जो एनसीपीजी 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे रिलीज हो चुका है। किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या प्रोसेस है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज, तो नीचे आएंगे, नीचे आने पर नोटिफिकेशन कॉलम दिखा देगा। देख सकते हैं एमबीए के लिए आपका एप्लीकेशन रिलीज हो चुका है और यहाँ पे आपको एक लिंक दे दी गई है। इस लिंक पे क्लिक करना है, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देगा एमबीए रजिस्ट्रेशन 2020, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने जो है कैंडिडेट पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप न्यू यूजर है तो सिंपली न्यू यूजर रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम एंटर कर देना है, मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, आपका यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर कर देना होगा आपको, जिसके थ्रू आप यहाँ पे जो है रजिस्टर करना चाहते हैं। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना होगा और उस क्वेश्चन का गाइस आप लोगों को जो आंसर यहाँ पे एंटर कर देना है। ये इसलिए रहता है ताकि इनकेस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड रिट्राइव करते टाइम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही आंसर आप लोगों को देना होगा। फिर उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे जो है एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, वही पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पे जो है गाइस री एंटर कर देना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कंफर्मेशन के लिए री एंटर करने का सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते देख सकते हैं यहाँ पे आपका यूजर आईडी आ चुका है और गाइस आपको फिर सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे गाइस, ओके पे क्लिक करते आप लोग देख सकते हैं आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस तरह के इंटरफेस पे। आपको सिंपली यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है, आप लोग वहाँ से डायरेक्टली लॉगिन भी कर सकते हैं। रजिस्टर ईमेल आईडी या फिर यूजर आईडी एंटर कर देना है। जो पासवर्ड आपने एंटर किया था गाइस वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है सेम कैप्चा एज इट इज गाइस आप लोगों को यहाँ पे एंटर करके लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। लॉगिन पे क्लिक करते आप लोग अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। जैसे एप्लीकेशन पे 1000 रुपीज़ है, रजिस्ट्रेशन एडमिशन ओपन है, यहाँ से आप लोग डायरेक्टली अपना पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते। जैसे तो फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस पर क्लिक कर देना होगा, ओके पे क्लिक करना है। फिर जैसे आपके सामने पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया, सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। लाइक यहाँ पे आपको अपना फुल नेम एंटर कर देना होगा, यहाँ पे फादर पिताजी का नाम एंटर कर देना है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे मदर माता जी का नाम एंटर कर देना होगा, जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर गाइस यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आप सबसे पहले यहाँ पे आपको ईयर अपना सेलेक्ट कर लेना है, जो भी ईयर रहे आपका आप यहाँ से अपना डायरेक्टली देख सकते हैं ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1999 सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन मंथ एंड यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर यहाँ पे बर्थ प्लेस आपको एंटर कर देना, नेशनलिटी, रीजन, रिलीजन आपका जो भी हो रिलीजन यहाँ पे आपको एंटर कर देना होगा। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ पे सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे एंटर कर देना होगा, आपका एड्रेस, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड और आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट सेम है तो यहाँ पे सेम एस कर देना है, तो यहाँ का एड्रेस अपने आप यहाँ पे पूरा आ जाएगा। देख सकते हैं मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है एंटर करके बता देता हूँ। सैंपल के तौर पे यहाँ पे कंट्री एंटर कर देना होगा आप लोगों को, स्टेट एंटर कर देना, कोई भी स्टेट आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी स्टेट एंटर कर दीजिए, फिर यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप एंटर कर दीजिए, देन आपको यहाँ पे सिंपली फिर पिन कोड एंटर कर देना है। और यहाँ पे अगर सेम है तो सिंपली सेम एस करस्पॉन्डेंस एड्रेस करना है, तो यही एड्रेस पूरा आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर एजुकेशन डिटेल की बात है, आप 10th 12th ग्रेजुएशन पास हो या पेरिंग वो सेलेक्ट कर देना है। तो गाइस कहाँ से आप, कौन से बोर्ड से किए, कौन से ईयर में, डिग्री है या नहीं और यहाँ पे डिवीजन कौन सा था, कितना परसेंट है आपके मार्क्स से वो एंटर कर देना है। देन कंपिटेटिव एग्जाम आपने कैट दिया है अगर, या फिर कैट का एप्लीकेशन नंबर एंटर करना होगा, स्कोर और एग्जाम परसेंटाइज सेम फॉर मैट यहाँ पे। फिर वर्क एक्सपीरियंस है, यस या नो, वर्क एक्सपीरियंस है तो कितने महीनों का है, कौन सा है, क्या वर्क एक्सपीरियंस है वो एंटर करना है, वरना फिर सिंपली 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आप लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को वहाँ पे सबसे पहले फिर आप लोगों को जो है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप ये रहेगा, आपको यूनिवर्सिटी प्रायोरिटी आपकी जो है सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद फिर अगेन 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन पे लेके जाया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने रहेंगे। फिर आपको पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन प्रीव्यू करना रहेगा। प्रीव्यू करने के बाद आप लोग डायरेक्टली अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी पे करने के बाद। इनकेस कोई भी कोई प्रॉब्लम फेस होती, कोई भी इशू था, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।